चंद्रयान 3 को लेकर सोशल मीडिया पर एक और चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में दो बार सुपर मून इवेंट है, यानी दो मौकों पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होगा और इसी वजह से इसरो ने इस मिशन के लिए अगस्त महीने को चुना है। हमने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से इस पर जानकारी ली, ये भी समझना चाहिए कि आखिर सुपर मून और चंद्रयान 3 का क्या कनेक्शन है। सुनिए और इसरो ने एक साथ सात सैटेलाइट लॉन्च करके एक बार फिर दुनिया को यह बता दिया है कि वो अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने कुल सात सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। इनमें भारत की एक सैटेलाइट और सिंगापुर की छह सैटेलाइट शामिल हैं। ये इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत का ही नतीजा है कि एक महीने के अंदर भारत ने दूसरी बार किसी स्पेस मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। पहले चंद्रयान और अब एक साथ सात सैटेलाइट की लॉन्चिंग, इसरो दिन ब दिन अपनी कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। इसरो की सफलता की कहानी उसके सफल रॉकेट में छुपी है, जिस पीएसएलवी रॉकेट के भरोसे दुनिया भर के देश भारत से हाथ मिला रहे हैं उसका सक्सेस रेट जानकर आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। भारत के सॉलिड रॉकेट का सक्सेस रेट 96% से भी ज्यादा है। स्पेस सेक्टर में ऐसे रिकॉर्ड को शानदार माना जाता है। 2017 के बाद से आज तक पीएसएलवी कभी फेल नहीं हुआ। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही इसे इसरो का वॉर हॉर्स कहा जाता है।